ये हमारे पास बिजनेस मैथ जो है वो हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर की, उसकी ये एक्सरसाइज नंबर वन है हमारे पास, ठीक है। एवल्यूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, और हमारे पास सवाल है 30 + 12 - 15 × 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए जो कि ये है बेडमास, ये लिखा हुआ BEDMAS। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि अगर ब्रैकेट आ रहा है तो उसको सॉल्व करना है, और ब्रैकेट तीन तरह के हो सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और कैपिटल ब्रैकेट। तो सवाल में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करना है, और उनमें से भी पहले ये वाला करना है सॉल्व, फिर ये वाला सॉल्व करना है, फिर ये वाला सॉल्व करना है। उसके बाद हमें सवाल में देखना है कोई एक्सपोनेंट तो नहीं है। एक्सपोनेंट का मतलब है जैसे 5 लिखा है, इसके आगे 5 या 10 जीरो हैं, तो हम 10 जीरो या 5 जीरो नहीं लिखते, ऊपर हम छोटी सी पावर बना के लिख देते हैं, तो इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। फिर क्वेश्चन में हमें देखना है डिवाइड तो नहीं है, डिवाइड है तो डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई फिर ढूंढना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये जो सीरीज़ है ना, ये सीरीज़ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, यानी आपके सामने क्वेश्चन आया उसमें लिखा हुआ है कि प्लस भी है और माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 30 + 12 - 15 × 2। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 30 + 12 - 15, पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 2। अब 30 को हम 12 में जब प्लस करेंगे तो ये 42 हो जाएगा, ये सॉल्व हो गए दोनों। अब हमारे पास ये बचा -15, ठीक है, और ब्रैकेट अभी बचा हुआ है, और बाहर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई 2। 42 में से हम 15 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 27। अब ये ब्रैकेट खुल गया, अब ये वाली टर्म लिख देंगे, ठीक है। 27 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, 27 लिखा और ये 2 है, 2 7 14, 14 का 4 कैरी गया 1, 2 2 4, 1 मिला 5, 54। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 54, ये हमारा जो है ना फाइनल आंसर है। तो आपने ये देखा कि बेडमास के रूल से ये सारा जो है ना एक्सरसाइज को हम करेंगे। 30 में हमें 12 प्लस करना था, या 12 में से हमें 15 माइनस करना था, यानी बड़ा नंबर ये 15 में से 12 माइनस करना था। तो हमारे पास बेसिकली दो साइन थे, एक प्लस का एक माइनस का। हमने सबसे पहले प्लस के साइन को सॉल्व किया, क्यों किया, क्योंकि हमारे पास दो चॉइसेस थी, सब्ट्रैक्शन या एडिशन, तो हमने सबसे पहले एडिशन करना है, क्योंकि बेडमास के रूल में सबसे पहले एडिशन आ रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इस तरीके से सॉल्व होंगे 1.9 तक।